मिर्ची बॉलीवुड अगर आप नागिन 3 सीरियल के फैन हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, और अगर आप एक्टर रजत टोकस के फैन हैं फिर भी आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि शो में विक्रांत यानी रजत टोकस की एक बार फिर से एंट्री होने वाली है। जी हाँ, वैसे तो हमने शो की शुरुआत में ही देखा था कि सहगल ब्रदर्स और उनके दोस्तों ने मिलकर विक्रांत को मार डाला था, लेकिन लेटेस्ट खबरों की माने तो पूर्णिमा के दिन नागराज विक्रांत अपनी प्रेमिका रूही से मिलने आएगा। जैसे कि उसने रूही से वादा किया था कि पूर्णमासी की रात वो उससे मिलने आएगा, तो अब वो घड़ी पास आ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शो का एक प्रोमो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विक्रांत खुद अपने लौटने की बात करता है। इसके साथ ही प्रोमो में ये भी दिखाया जाता है कि बेला उससे मिलने पुरानी हवेली में जाती हैं। अगर शो के करंट ट्रैक की बात करें तो शो में हमने देखा था कि रेहान और जामनी की शादी की तैयारियां चल रही है। हालांकि रेहान के रूप में विश ने ही सहगल परिवार में एंट्री ली है ताकि वो नागरानी बेला की मदद कर सके। उधर जामनी भी चुड़ैल बनकर बेला की शक्तियां खत्म करना चाहती है, तो ऐसे में शो में आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि विक्रांत की एंट्री आगे आने वाले एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट लेकर आती है। वेल, आप विक्रांत यानी रजत टोकस की एंट्री से कितने खुश हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और छोटे पर्दे से जुड़ी हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।